ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने 14 दिन बाद शहर के बहुचर्चित एडवोकेट हजरत अली हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। सिटी पुलिस ने हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार शाम 4 बजे सिटी थाने में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान हत्याकांड का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि 3 नवंबर को शहर के फतेहपुरिया दोयम स्थित भैरूजी के दाती निवासी एडवोकेट हजरत अली हत्याकांड में पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद सफलता हासिल कर ली है। प्रकरण में पुलिस ने 3 लोगों को डीडवाना नागौर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में ब्यावर फतेहपुरिया दोयम निवासी विकास नागौरा उर्फ टोनी पुत्र रमेश खटिक, दुर्गावास थाना जवाजा निवासी दाऊ सिंह पुत्र चापाचू सिंह रावत और देवनगर चांग थाना सेंदड़ा पाली निवासी विक्रम सिंह उर्फ विक्की पुत्र शंकर सिंह रावत शामिल है। ASP ग्रामीण शर्मा ने बताया कि हजरत अली की हत्या के समय आसपास के क्षेत्र से CCTV फुटेज के आधार पर डिप्टी मनीष सिंह चौधरी के निर्देशन में सिटी थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया जाकर अनुसंधान शुरू हुआ। पुलिस अनुसंधान के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को नामजद कर उनकी तलाश शुरू की। हथियारों की तलाशी के दौरान पुलिस को 3 के मोबाइल लोकेशन खीवसर के आसपास मिली, जिस पर पुलिस टीम ने डीडवाना पहुंचकर 3 को एक साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में एडवोकेट हजरत अली की हत्या का मुख्य कारण जमीनी विवाद और रुपयों के लेन देन का मामला सामने आ रहा है। प्रकरण की संपूर्ण जांच और हत्या के कारणों के खुलासे को लेकर पुलिस 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड लेगी। पुलिस के अनुसार 3 आरोपी हत्याकांड के बाद हैदराबाद चले गए थे। इसकी जानकारी के बाद पुलिस टीम हैदराबाद के लिए रवाना हुई, लेकिन पुलिस टीम के हैदराबाद पहुंचने से पहले ही 3 आरोपी वापस राजस्थान के लिए रवाना हो गए। पुलिस टीम ने पुणे ब्यावर आकर आरोपी की लोकेशन पर नजर रखी और जानकारी मिली कि 3 बदमाशों की लोकेशन खीवसर नागौर के पास लाइमस्टोन के भट्टों के आसपास पाई गई है। इस पर पुलिस ने सावधानीपूर्वक दबिश देकर 3 आरोपियों को धर दबोच लिया। पुलिस के अनुसार हत्याकांड के दौरान CCTV फुटेज में दिखाई देने वाले 3 लोगों की पहचान अलग होने के कारण पुलिस को असली हत्यारों तक पहुंचने में समय लग गया। ASP शर्मा के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में विकास नागौरा के खिलाफ सिटी थाने में विभिन्न धाराओं में 4 प्रकरण दर्ज हैं, साथ ही केकड़ी में ATM तोड़कर रुपए निकालने के प्रकरण में भी मामला दर्ज है। मामले में आरोपी केकड़ी पुलिस का वांछित और फरार आरोपी भी है। इसी प्रकार विकास के खिलाफ पोक्सो की धाराओं में भी प्रकरण दर्ज है। प्रकरण के दूसरे आरोपी दाऊ सिंह उर्फ सिटी के खिलाफ भी ब्यावर सिटी में 2, ब्यावर सदर थाने में 1 और जवाजा थाने में 1 प्रकरण ऑलरेडी दर्ज है। ASP वैभव शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर अग्रिम जांच हेतु पूछताछ हेतु पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। मालूम हो कि 3 आरोपियों ने जमीनी विवाद और रुपयों के लेन देन को लेकर 3 नवंबर को फतेहपुरिया दोयम भैरूजी की दाती निवासी एडवोकेट हजरत अली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के भाई नीरा काठात ने सिटी थाना पुलिस में हत्या को लेकर एक प्रकरण दर्ज करवाते हुए 3 आरोपियों को नामजद भी किया था। हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में CI सुरेंद्र सिंह जोधा, टाटगढ़ थानाधिकारी गिरधारी सिंह, साइक्लोन सेल अजमेर के रणवीर सिंह, ब्यावर सिटी थाने के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, शेर सिंह, गोपीराम, रामप्रसाद जगमोहन, कांस्टेबल भगवान सिंह, मोहित सिंह, अरुण कुमार, भवानी सिंह और मखना राम आदि शामिल थे। हत्याकांड के खुलासे के दौरान डिप्टी मनीष सिंह चौधरी भी मौजूद थे। हजरत अली की कुछ लोग उसके घर पर आए और उसकी हत्या कर दी है। इस पर हमारी ASP ब्यावर और ब्यावर सिटी SHO के सुपरविजन में एक टीम गठित की गई थी। उस टीम ने लगातार दबिशें देकर और CCTV फुटेज खंगाल कर 3 लोगों को इसमें आइडेंटिफाई किया। विकास नागौरा उर्फ टोनी, विक्रम उर्फ विक्की और दाऊ सिंह उर्फ सेठी, इन 3 लोगों को आइडेंटिफाई करके आज इनको नागौर के खीवसर से डिटेन कर आज इनको अरेस्ट किया है। प्रारंभ में जो पूछताछ की गई है उसमें इनका मृतक से कोई प्लॉट और पैसों के लेन देन को लेकर आपस में रंजिश का मामला सामने आया है। अभी 3 मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया गया है, इनसे गहनता से अनुसंधान किया जाना शेष है। अभी प्रारंभिक पूछताछ ही हुई है, गहनता से अनुसंधान किया जाना शेष है। इनसे जो भी रिकवरी होनी है अनुसंधान के बाद ही सामने आ पाए। अभी ऐसा प्रारंभिक अनुसंधान में अभी जैसा इन्हें अरेस्ट किया है, प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है उसमें अभी इन्होंने आपस में किसी प्लॉट और आपस में रुपयों के लेन देन की कोई रंजिश को लेकर इस तरह का कृत्य करना बताया।